वहीं भरतपुर के पीलू का पूरा गांव स्थित शहीद स्थल पर गुर्जर समाज के चार युवक धरने पर बैठ गए। युवकों ने सरकारी भर्ती में 4% आरक्षण देने की मांग की है। धरने की सूचना के बाद कोतवाल दौलत गुर्जर और नायब तहसीलदार आशीष सारस्वत मौके पर पहुंचे और युवकों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन युवक अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं गुर्जर नेता हिम्मत पाडली ने मांग पूरी नहीं होने पर धरने में शामिल होने की चेतावनी दी है। नहीं, हम 144 धारा का कोई यहाँ कोई हवुल्लड़ या कोई नारेबाजी कर रहे हैं। 144 की धारा का कोई उल्लंघन नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं अधिकारियों को और सरकार को यह चेताना चाहता हूँ कि इनके साथ जो शांतिपूर्वक बैठे हैं उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं करें, नहीं तो वही रेलवे ट्रैक है, वही रोड है और वही